मिला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज करें ताकि उसकी स्पेस को हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है, जिसकी वजह से मैं इसके वार्डरोब को डिजाइन नहीं कर पाई। कुछ ऑर्गेनाइजर्स मेरे पास पहले से थे और कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैंने बाद में खरीदे ताकि मैं इसकी स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट जस्ट अ वार्डरोब बट अ ड्रेसिंग टेबल एज वेल। सो लेट मी शो इट टू यू। बट गाइज, बिफोर दैट, वीडियो की सभी अपडेट्स के लिए डो नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज हर फैब वे। एंड गाइज, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्यूट सी चीज शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइज, दिस इज माई वार्डरोब। इसमें एक टॉप शेल्फ है, दो ड्रॉर्स है और दो बॉटम शेल्फ है। मैं नाइटवेयर के अलावा अपने सभी टॉपवेयर हैंग करके रखना प्रेफर करती हूँ, इससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है और आपकी वार्डरोब हमेशा ऑर्गेनाइज रहती है। बॉटम शेल्फ में मैंने कुछ क्लोथ्स फोल्ड करके रखे हुए हैं और कुछ बास्केट्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं। सबसे पहले हम टॉप शेल्फ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे आगे मैंने टी शर्ट्स हैंग करी हुई हैं, उसके पीछे है टॉप्स, फिर कुर्तीज एंड फिर कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स। सबसे आगे मैंने हाफ स्लीव टी शर्ट्स हैंग करी हुई हैं बिकॉज इट्स समर्स एंड आई वेयर देम फ्रीक्वेंटली। उसके पीछे हैं 3/4 स्लीव टी शर्ट्स, उसके पीछे हैं मेरे सारे 3/4 स्लीव टॉप्स। और यहाँ है मेरी फुल स्लीव्स फॉर्मल शर्ट्स। यहाँ मैंने अपनी कुर्तीज को हैंग किया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने एक ही हैंगर में दो कुर्तीज को हैंग किया हुआ है। इस तरह से आपके शेल्फ में काफी स्पेस बच जाती है। अब मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुर्ता हैंग कर रहे होते हैं और वो अनफोल्ड हो जाता है, ऐसे में आपको उसे दोबारा फोल्ड करना पड़ता है। इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल से टिप फॉलो करती हूँ। आप एक सेफ्टी पिन लीजिए, अपनी कुर्ती को फोल्ड करने के बाद उसकी स्लीव्स को और कुर्ती के बैक फोल्ड को इस तरह से पिनअप कर दीजिए। उसके बाद आप चाहे अपने हैंगर को कितना भी मूव करें, लेकिन आपकी कुर्ती की फोल्ड बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। मैं इसी तरह से अपनी सारी 3/4 स्लीव्स और फुल स्लीव्स कुर्तीज को पिन कर देती हूँ एंड ट्रस्ट मी, इससे कभी भी उनका फोल्ड खराब नहीं होता एंड इस तरह से आप अपना बहुत टाइम सेव करते हैं। इस टिप को फॉलो करके आपको कुर्तीज को डबल ट्रिपल फोल्ड नहीं करना पड़ता, इस तरह से आप अपने शेल्फ की वर्टिकल स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। उसके पीछे मैंने एक ही हैंगर में अपने 5 प्लाजोस को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसके लिए मैंने ये पैंट्स हैंगर को यूज किया है। इस हैंगर को यूज करके यू कैन सेव अ लॉट ऑफ स्पेस इन योर वार्डरोब। इसके पीछे मैंने एक ही हैंगर में 7 स्कर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसके लिए मैंने ये वाला हैंगर यूज किया है। अगेन, इस तरह से आप अपनी अलमीरा में काफी स्पेस सेव कर सकते हैं। इस हैंगर में मैंने अपने सभी स्कार्फ्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसके लिए मैंने ये वाला हैंगर यूज किया है। इस तरह के हैंगर में आपके स्कार्फ हमेशा ऑर्गेनाइज रहते हैं और जब भी आपको कोई भी एक पर्टिकुलर स्कार्फ यूज करना हो तो उसको लोकेट करना भी इजी हो जाता है। और यहाँ सबसे पीछे मैंने कुछ वुलन क्लोथ्स हैंग किए हुए हैं, अगर कभी वेदर चेंज हो या फिर ट्रैवल करना हो तो आप उनको इजीली यूज कर पाए। राइट ड्रॉप पे मैंने अपनी बेल्ट्स ऑर्गेनाइज करी हुई हैं। इनर वेयर को स्टोर करने के लिए मैंने ये 4-पीस ऑर्गेनाइजर लिया है। ये वाले ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही यूजफुल हैं। आप इसके अंदर अपने सारे अंडरगार्मेंट्स और अगर आप चाहें तो अपने सॉक्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने अपनी सारी स्पेगेटीज और अंडरशर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस सेट के साथ ये एक 4th पीस है जो मैं विंटर्स में यूज करती हूँ अपने ग्लव्स और कैप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ वार्डरोब कम ड्रेसिंग टेबल, इसलिए मैंने अपना सारा पर्सनल केयर का सामान इस शेल्फ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड आई मस्ट से इट्स वेरी स्टर्डी।
यहाँ टॉप शेल्फ पे मैंने सभी लॉन्ग बॉटल्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है और यहाँ बॉटम शेल्फ पे सभी परफ्यूम्स और क्रीम्स ऑर्गेनाइज्ड हैं। नाउ लेट्स कम टू द ड्रॉर्स। लेफ्ट ड्रॉर में मैंने सारा मेकअप और हेयर एक्सेसरीज को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ सबसे आगे मैंने मेकअप ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है जिसके अंदर सारा सामान अलग अलग सेक्शंस में सेग्रीगेटेड है। यहाँ पर है मेरी आई शेडो पैलेट और ये है मेरा बिंदी ऑर्गेनाइजर। इस कॉर्नर में हेयर ब्रश और कॉम्ब रखा हुआ है। बाकी का सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये ट्रे सेट परचेज किया है। इस ट्रे में सभी बड़े और छोटे क्लचर्स हैं। इस ट्रे में है हेयर बैंड्स और टिक टैक्स। यहाँ पर सारे मेकअप ब्रशेज ऑर्गेनाइज हैं और इस ट्रे में सभी नेल पॉलिशेज रखी हुई हैं। नाउ लेट्स कम टू द राइट ड्रॉर। ड्रॉर में सबसे आगे मैंने अपना वॉलेट रखा हुआ है। उसके नीचे सभी पासबुक्स और चेकबुक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये फोल्डर लिया है, विच इज अगेन वेरी वेरी यूजफुल। यहाँ पर रखा है एक ज्वेलरी पाउच। यहाँ पर मैंने अपने इयररिंग्स रखे हुए हैं, इसके लिए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइजर यूज किया है। मेरे पास इस तरह के दो बॉक्सेस हैं। दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। यहाँ इस ट्रे में मैंने कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी पीसेस रखे हुए हैं। नाउ लेट्स कम टू द बॉटम शेल्व्स। सबसे पहले मैं आपको ये वाला बॉक्स खोल के दिखाती हूँ। इस बॉक्स के अंदर मैंने अपनी सारी जीन्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है और इसके लिए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइजर यूज किया है। इस बॉक्स में 12 पेयर्स ऑफ जीन्स ऑर्गेनाइज्ड हैं। उसके साइड में मैंने ये बास्केट रखी हुई है। इस बास्केट में मैंने सभी लेगिंग्स को फोल्ड करके स्टोर किया हुआ है। इस बास्केट में मैंने सारे सैनिटरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को स्टोर किया हुआ है। इन बॉक्सेस में मैंने अपने सारे बैंगल्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अगेन अ मस्ट बाय प्रोडक्ट। मेरे पास ऐसे दो बॉक्सेस हैं और मैं इन दोनों को पिछले 3 इयर्स से यूज कर रही हूँ। इस कॉर्नर में मैंने अपना हैंडबैग रखा हुआ है। दिस वे इट बिकम्स इजी टू पुल इट आउट एंड कीप इट बैक। नाउ लेट्स कम टू द बॉटम मोस्ट शेल्फ। इसके अंदर मैंने अपने सभी नाइट वेयर्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ सबसे ऊपर मैंने 3 टी-शर्ट ड्रेसेस रखी हुई हैं। उसके नीचे हैं ये 2 वार्म टी-शर्ट्स जस्ट इन केस आई फॉल इल और देयर इज अ वेदर चेंज। यहाँ पर मैंने अपने सभी फुल स्लीव नाइट सूट सेट्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है और यहाँ पर मैंने सारे शॉर्ट सेट्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये है कुछ एक्स्ट्रा टी-शर्ट्स और ये है मेरे एक्स्ट्रा पजामास। यहाँ सबसे पीछे मैंने एक और बास्केट रखी हुई है। लेट मी शो इट टू यू। इस बास्केट में मैंने सभी डोनेशन के क्लोथ्स रखे हुए हैं। जब भी मैं कोई टॉप या कुर्ती डिस्कार्ड करती हूँ तो मैं उसको इसी बास्केट में रख देती हूँ। सो गाइज, दिस इज हाउ आई ऑर्गेनाइज माई कम्प्लीट वार्डरोब कम ड्रेसिंग टेबल। सो गाइज, दिस वॉज माई कम्प्लीट वार्डरोब टूर। एक चीज़ जो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आप किसी नए जगह पे मूव करते हैं तो पहले से सारे ऑर्गेनाइजर्स परचेज मत करिए। हमें इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए 2 मंथ से ज़्यादा हो गए एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कौन से ऑर्गेनाइजर्स चाहिए और किस साइज़ में चाहिए, तभी अपनी स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए मैं अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजर्स खरीद सकी हूँ। एंड फाइनली गाइस, जो मैं आपके साथ एक क्यूट सी चीज़ शेयर करना चाहती थी वो ये है कि मेरी सिस्टर ने अपनी टीम के साथ एक वेंचर स्टार्ट किया है बाय द नेम ऑफ क्राफेटेरिया, जहाँ पर वो बहुत ही सुंदर हैंडमेड कार्ड्स बनाते हैं। दे मेक कार्ड्स ऑफ एवरी ओकेजन, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, वैलेंटाइंस डे और जैसे कि अब मदर्स डे आ रहा है तो उसके लिए भी उनके पास एक बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। मैंने उनसे ये 2 कार्ड्स ऑर्डर करे हैं, 1 फॉर माई मदर एंड 1 फॉर माई मदर इन लॉ। आई एब्सोल्युटली लव देयर कलर्स एंड पैटर्न्स। हर कार्ड एक पॉली एनवेलप में सिक्योर है और हर कार्ड के साथ आपको एक पेपर एनवेलप भी मिलता है। दे हैव अ वेरी यूनिक स्टाइल
एंड गुड थिंग इज कि आप अपनी फोटोज भेजकर अपने कार्ड को पर्सनलाइज भी करा सकते हैं और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। लाइक दिस कार्ड इज फॉर 100 रुपीज एंड ये वाला कार्ड 130 रुपीज का है। शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा है, वो आपकी सिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन गाइज अगर आपको हैंडमेड चीजों का शौक है देन यू शुड रियली गो फॉर इट, दे आर एक्चुअली वेरी प्रिटी। आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इनका प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।